देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को करने से पहले किन किन पॉइंट्स और किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा आपका सिंपल वाले में सिंपल वाला एक क्वेश्चन सिंपल आता है जो कि सिंपल इन सेंस के वो वन ईयर का होगा यानी एक ही बनाना होगा दूसरा क्वेश्चन आता है मोर देन वन ईयर तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमारा मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्ट सी इस तरीके से तीन टाइप बनते हैं इसमें ठीक है आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा है ना ठीक है सर वर्क सर्टिफाइड क्या होता है ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है बिल्डिंग बना लेते हैं ठीक है हमने जो बिल्डिंग बनाया इस बिल्डिंग को जब बनाएंगे तो इस बिल्डिंग को कितना काम कंप्लीट हुआ है एक ठेकेदार है इसने तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है इसका जी पचास लाख में बना के दे देंगे आपको ये मकान लेकिन ठेकेदार को पैसे तभी मिलता है जब मालिक को ये आश्वासन मालिक को ये सियोरिटी मिल जाए कि उसका काम हो रहा है कभी भी कोई भी ठेकेदार टीम दे देते हैं ऑनर को मालिक को कभी भी पूरे पैसे एक साथ नहीं देता टुकड़ों में देता है तो सर मालिक को कैसे भरोसा हो कि ठेकेदार ने इतना काम किया है तो मालिक किसी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आता है जो इसका मेनली जिसको ज़्यादा नॉलेज हो उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं जो आर्किटेक्चर आएगा वो इसको आके देख के जाएगा और बोलेगा भाई कितने परसेंट एरिया तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ है वो हमेशा परसेंटेज में बताएगा तो जितने परसेंट या जितने अमाउंट में बता दे वो उसको बोला जाएगा वर्क सर्टिफाइड मान लेते हैं लेट्स अज्यूम के हमारा फर्स्ट फैब को आर्किटेक्चर आया और उसने बोला जी आपका काम जो है वो थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट कंप्लीट है मालिक ने तो उस फोर्टी परसेंट के हिसाब से उसको पेमेंट दे दिया जैसे पचास लाख है पचास लाख का फोर्टी अगर देखे तो बीस लाख बनता है बीस लाख दे दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रुकेगा नहीं मार्च में अकाउंटिंग ईयर एंड होगा कॉन्ट्रैक्टर काम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा अब दोबारा से हम बुलाएंगे आर्किटेक्चर तो नहीं आएगा जल्दी जल्दी थोड़ी आएगा भाई कल आ गया कल भी देखेगा तो जिस टाइम को आर्किटेक्चर देख के चला जाता है उसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड जिस टाइम को वर्किट आर्किटेक्चर देखने नहीं आता लेकिन काम तो किया है उसे बोलते हैं वर्क नॉट सर्टिफाइड और ये दोनों बातें चाहे सर्टिफाइड हो चाहे नॉट सर्टिफाइड हो हमारे लिए तो एक तरीके से सेल्स के तरीके से ट्रीट होता है और सेल्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है इसलिए वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड भी कहाँ चला जाता है हमारा क्रेडिट में चला जाता है समझे अगर वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड हमारा सेल्स है और अगर इसका पैसा ना मिले तो बैलेंस शीट में हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे सेल्स का पैसा अगर बैलेंस शीट में नहीं मिलता तो कहां ट्रीट करते हो सर डेटर मानते हैं तो इसलिए ये एसेट्स में चला समझे क्लियर है यहां तक तो ये तो वर्क सर्टिफाइड सर इसके बाद प्रॉफिट वाला भी फॉर्मूला बताओ ना प्रॉफिट वाले के अंदर केसेस के अंदर आता है तो प्रॉफिट के अंदर जो मेजरली देखो पहली वीडियो में थोड़ा प्रॉफिट का ऊपर नीचे हो गया था मैं अभी क्लियर कर देता हूं क्या कैसे लेना है प्रॉफिट वाले केस में इसके अंदर मेजर आता है कि सरप्लस बांटना होता है और सबसे ज्यादा पैसा ना कॉन्ट्रैक्टर का डूबता है और सबसे ज्यादा वही कमाता है क्योंकि उसका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में डूब जाता है तो प्रॉफिट भी हम बोलते हैं कि एस्टिमेटेड में मानो प्रॉफिट में अगर आपने काम किया है 25% परसेंट तक डन सर काम कैसे निकालेंगे काम निकालेंगे हम वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू में हंड्रेड काम आ गया हमारा कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है तो 25 परसेंट काम कंप्लीट हुआ है तो आपको बोला गया नो प्रॉफिट एंड लॉस कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा आपका आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं मिलेगा नहीं डालना अकाउंटेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना सर इसके बाद अगर 25 परसेंट से लेके इक्वल टू 50 परसेंट तक काम कंप्लीट हो जाता है तो बोला गया प्रॉफिट का वन बाई डालना है इन में आपने सरप्लस लेना है और इन टू में डिपेंड करता है सिचुएशन कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड लेना है कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड लेना है ये रहेगा हमारा जब 25 इसके बाद 51 से लेके 90 परसेंट तक अगर आपका काम होता है तो यहाँ पे क्या लेना है टू बाई थ्री इन टू में सर प्लस इन टू में कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड वर्क सर्टिफाइड इसके बाद सर अगर नियर बाय 91 से 100 होगा तो आपके पास ऑप्शन क्या है सर प्लस परसेंटेज छोड़िए आ जाता है कैश आपका आ जाता है कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा ये तो फॉर्मूले हैं जो कि अप्लाई करने होते हैं हमें ये बहुत मेजर है याद रखना है पहली वीडियो में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे भी देखेंगे जो एप्लीकेशन पे भी ले रहे होंगे फर्स्ट क्लास देखते हैं वहाँ परसेंटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है वेरिएशन मैंने दो तीन वीडियो बाद उसको क्लियर कर दिया है सो so दैट मैंने अभी आपको बता दिया और आप सभी के बुक में और नोट्स में मैंने पहले लिखा हुआ है ये चीज़ें ठीक है ना चलिए ये भी आपको समझ में आ गया रिमाइंड हो गया होगा रिकॉल हो गया होगा तो एक तो हमें वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड समझना होगा दूसरा क्योंकि मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ तो थोड़ा फटाफट लेके चल रहा हूँ नोट आप कर लेना आराम से दूसरा आपको क्या याद रखना होता है इसके अंदर सर इसके अंदर तीन चीज़ें एग्जामिनर पूछ लेगा तीन चीजें क्या पूछेगा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूछेगा एक बैलेंस शीट पूछेगा एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पूछ सकता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हम तीनों जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो पूरा कर लेंगे रिवाइज भी हो जाएगा हाँ एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है वो टू वो मोर देन वन वाला वाला नहीं कर पाएंगे मैंने करवाया है वो वीडियो जाके आप देखिएगा आप जब मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी मैंने करवा रखा है वो वीडियो देखिएगा मैं आपका एक सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट और इसके अंदर तीन चार बातें मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा सर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है एक्सप्लेनेशन क्लॉज वाला लगता है जो मैंने करवाया हुआ है वो आप एक बार जरूर देख के जाए ठीक है एक ही क्वेश्चन है उसके अलावा कोई नहीं अगर आया भी क्वेश्चन तो डिटो सेम आ जाएगा वो चलिए अब इसे मिटा के हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएंगे आपके लिए क्योंकि एग्जामिनर ने बोला नहीं है लेकिन हम रिवीजन के तरीके से कर लेंगे इसको ये रहा हमारा पी एंड एल इसको आप जब भी जो पहली बार देख रहा हो जिन्हों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको आप ना अपने मन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को निकाल के एक तरीके से इसे पी एंडल के तरीके से सोचना है पी एंड एल के तरीके से सोचना है देखो एक मिनट में हो जाएगा यह है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा दो हिस्सों में डिवाइड होता है हमेशा याद रखिएगा सर एक हिस्सा होता है हमारा जिसमें से सरप्लस निकलता है और एक हिस्सा होता है जहां से हम कॉस्टिंग पीएंडल निकालते हैं दो हिस्सा है नीचे ऊपर अलग है एग्जामिनर कई बार सर पर पूछता है ये कई बार आपसे पीएंडल का पूछता है तो ये आ जाता है दूसरा एक हम बनाएंगे सर एक बनाएंगे आपके लिए बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट।, शीट यही वाला रहेगा कॉर्पोरेट वाला नहीं बनेगा यहां पे, और इस बैलेंस शीट की खास बात कभी टोटल मैच नहीं होगा क्योंकि हम बैलेंस शीट पूरा नहीं बना रहे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं चलिए जल्दी जल्दी सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाओगे क्या बिल्कुल बनाते हैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ही बना लेते हैं एक साल का क्योंकि एक साल का ही डेटा गिवन है तो एक साल का बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्टी इधर विजुअल नहीं होगा मैं यहाँ डेटा लिखूंगा दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सर कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है जिसने ठेका दिया है कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है जिसने ठेका लिया है क्वेश्चन में कहता है आप फॉर्म अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने का सोचा है द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 एंड द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल ऑन थर्टी मार्च 2022 थाउजेंड एक साल का हिसाब है मटेरियल एट साइट तो मटेरियल एट साइट यहां पे लिखेंगे खर्चा देखो पी एंड एल इधर खर्चे इधर, इधर इनकम दैट्स इट मटीरियल कहता है एटी फोर लैख इसके बाद कहता है आर्किटेक्ट कोस्ट आर्किटेक्ट कॉस्ट तो मैं इसको ए आर सी एच और कॉस्ट कर देता हूं आर्किटेक्टर कॉस्ट जो है आर्किटेक्चर का जो है कॉस्ट हमारा वो है इलेवन पॉइंट टू लैख उसके बाद वेजिस कहता है वेजिस अंदर लिखेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूं मैं फोर्टी फोर एट्टी थाउजेंड मटीरियल रिटर्न फ्रॉम साइट जब भी मटीरियल रिटर्न करोगे तो मटीरियल आया था यहां तो रिटर्न होगा इधर तो बाय साइड में कर देंगे रिटर्न कितने रिटर्न कर दिए टू एट्टी टूल्स हायर चार्ज उन्नीस लाख साठ हजार रुपए ठीक है खर्चा है टूल्स हायर हायर क्या होता है जी हायर होता है किराया चार्ज नाइन लैक सिक्सटी थाउजेंड अदर इन डायरेक्ट कॉस्ट ये भी खर्चा है अदर एक्सपेंस जो भी हो 560। कुछ देखो मैंने लाख में लिखा मैं कर सकता हूं ऐसा प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप एग्जाम में ना करें आप पूरा जीरो में डिजिट लिखें साइट ऑफिस कॉस्ट 8 लाख साइट कॉस्ट 8 लाख रुपए हेड ऑफिस एक्सपेंस चार बीस हेड ऑफिस के खर्चे हैं चार बीस तो मैं देख पा रहे होगे मैं क्या लिख रहा हूं सारे खर्चे तो लिख रहा हूं यहां पे सारे खर्चे इधर इनकम इधर डायरेक्ट एक्सपेंस दस लाख छियानवे सो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस दस लाख छियानवे सौ छियानवे सौ वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्या है जी सेल्स है तो सेल्स किधर आएगा बाय में और इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इसके नीचे लिखना है वर्क सर्टिफाइड और लिखना है वर्क नॉट सर्टिफाइड सर्टिफाइड है आपका बाईस लाख चालीस हजार आ, बाईस नहीं टू करोड़ है और वर्क नॉट येट सर्टिफाइड 160 सिक्सटी ये आ गया कहता है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव इसमें एक मेन पॉइंट होता है पेमेंट रिसीव जो होता है ना हमेशा आपको क्या करेगा जैसे मान लेते हैं आपको बोला गया पेमेंट रिसीव आपने 90,000 किया है जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है एग्जामिनर ऐसे बोलेगा आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं देता कई बार आपसे क्या बोलता है आपने 90,000 कैश रिसीव किया है है जो कि वर्क सर्टिफाइड तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में हंड्रेड करके वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे तो जो जो पॉइंट है वो मैं बताता जा रहा हूं ये इस क्वेश्चन से नहीं है अगले जो आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कहता है कैश रिसीव किया इसने सेवेंटीन लैख नहीं वन करोड़ सेवेंटी नाइन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का तो यहाँ कैश रिसीव का कोई काम नहीं है बैलेंस शीट में काम होता है तो बैलेंस शीट में जब काम होगा तो हम देख लेंगे अभी नहीं कर रहे हैं इसको फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फोर करोड़ रुपीज का है द फर्म ऑन अ क्रेन विद द ओरिजिनल कॉस्ट वन ट्वेंटी क्रेन क्रेन ना देखो एक एसेट्स है क्वेश्चन कहता है इसने एक, इसके पास एक क्रेन है मशीनरी मान लेता हूं मैं इसको क्रेन को मसीनरीज और उसकी कीमत पता है क्या है उसकी कीमत है 120 लाख यानी एक करोड़ बीस लाख एक बात आप ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रीशियशन दिखाने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है सर हम क्या करते हैं इधर एसेट्स दिखा देते हैं ओपनिंग बैलेंस जो है और इधर क्लोजिंग बैलेंस बीच का डिफरेंस डेप्रीसिएशन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है कोई बच्चा बोलता है सर डिप्रीशिएशन डायरेक्ट दिखा दे तो दिखा सकते हैं लेकिन जो रूल है वो यही है कि इधर आप दिखाइए क्या आप दिखाइए टोटल कॉस्ट और इधर दिखाइए आप क्लोजिंग कॉस्ट बीच का डिफरेंस डेप्रीसिएशन आ जाएगा तो 120 लाख बीस आता है मशीनरी तो मैंने लिख दिया 120 लाख की एक ट्रेन है गिवन तो कोई बच्चा और जो भी बच्चा करे इस क्वेश्चन को प्लीज अपने पास क्वेश्चन पेपर रखना चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में रखो चाहे जैसे रखो आप आगे कहता है इसके ऊपर डेप्रीसी लगाना है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द फाइव ईयर है और एक्सपेक्टेड स्क्रैप है आपका ट्वेंटी लैक तो एक लाख का था 20 लाख का बिकेगा और डिवाइडेड बाय कितने फाइव डेप्रीसीन लगाने का फॉर्मूला याद है ना कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रीसिएशन निकल के 20 तो अगर 20 लाख का डेप्रीसिएशन निकल गया इस पर तो बाय क्लोजिंग अगर हम लिखेंगे सारी चीज़ों में तो क्लोजिंग में आएगा हमारा क्रेन यानी मशीनरी कितने आएंगे जी मशीनरी देखो 20 का डेप लग गया 120 का था तो बचा 100 का समझे स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कहता हूँ इकतीस मार्च डायरेक्ट वेजेस पेबल आउटस्टैंडिंग है डायरेक्ट वेजेस तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने थ्री ट्वेंटी आगे कहता है एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एस्टिमेटेड साइट तो मटेरियल क्लोजिंग है कितने रुपए का है हंड्रेड लैक है ये ठीक है ना ऐसे लिख देते हैं कितने का है मटीरियल सेवन का इसको अलग अलग लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सेवन ट्वेंटी हंड्रेड लो वन करोड़ हो गया ठीक है यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इकतीस मार्च दो हजार ईयर एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इकतीस मार्च हम तो सारी चीजें बना रहे हैं अब देखिए सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे टोटल कर लेते हैं टोटल में क्या आ जाएगा दो करोड़ चौबीस uh, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा है ना आ गया हमारा टू टू फाइव सिक्स एक दो तीन चार ज़ीरो प्लस टू एट्टी प्लस, प्लस प्लस सेवन ट्वेंटी ये आ गया थ्री थ्री फाइव सिक्स एक दो तीन चार तीन करोड़ माइनस कर देते हैं ये भी माइनस होगा एट्टी फोर लैख ग्यारह लाख बीस हज़ार फोर फोर एट फोर्टी फोर लैख एटी थाउज़ेंड है क्या है ये एटी थाउजेंड है थ्री ट्वेंटी वन नाइनटीन लैख सिक्सटी थाउजेंड फिर फाइव सिक्सटी एट लैख फोर ट्वेंटी वन डबल ज़ीरो नाइन सिक्स डबल ज़ीरो एक सौ बीस शायद माइनस मैंने गलत कर दिया प्लस एक सौ बीस माइनस ये आ गया मेरा टू सरप्लस देखो अमाउंट मैंने ऊपर नीचे हो सकता है मैंने कैलकुलेशन तो किया है दोबारा देख लेंगे टू फोर नाइन ज़ीरो फोर डबल ज़ीरो कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं थोड़े डिजिट में क्या कर रखा है ज़्यादा मैं मुझे करना क्या चाहिए था यहां से पहले ही मैं रिमूव कर देता ना थ्री जीरो फोर जीरो तो आसान होता आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहीं पर लिख दो थ्री जीरो जैसे सब में तीन ज़ीरो तो है ही है ना तो तीन जीरो लिख दो ताकि सो so डैट आपका ईजी हो जाए फिर मैं दोबारा कैलकुलेट कर लूँगा ठीक है ये आ गया हमारा इस सरप्लस को इधर भेजेंगे कैलकुलेशन देख लेना आप है ना 249, 2490400। अब इसके ऊपर लगेगा वो फार्मूला जो लिखा था सर उस फार्मूले की बात करें तो कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ पहले वो निकाल लिए तो परसेंटेज वर्क डन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा टू टू फोर्टी डिवाइडेड बाय फोर करोड़ तो अगर इसको सॉल्व करें टू टू डिवाइडेड बाय टू टू डिवाइडेड बाय फोर फिफ्टी सिक्स परसेंट तो दूसरे वाला फॉर्मूला लग जाएगा दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो क्या आता है हमारा टू बाय थ्री इन में टू फोर नाइन जीरो फोर डबल जीरो इन कैश रिसीव अब काम आएगा कैश रिसीव तो कैश रिसीव है हमारा वन सेवन नाइन टू वन सेवन नाइन टू डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड है टू टू फोर अब देखेंगे सर कैलकुलेटर पे अगर आप इंटू करने जाएंगे तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा ई ई मतलब कुछ हमें समझ में आ नहीं रहा कैलकुलेटर कह रहा है तो हम पहले डिवाइड कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक हमारा सीक्वेंस हो जाएगा वन सेवेंटी नाइन टू वन नाइन देखो बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कितने बड़े डिज़िट डाल दी इन्होंने सत्रह वन बे डिवाइडेड बाई टू टू फोर इन टू में टू फोर नाइन ज़ीरो फोर डबल ज़ीरो डिवाइडेड बाई थ्री इंटू में टू तो ये आ गया सर वन थ्री टू एट टू वन थ्री देखो मैं अगेन कह रहा हूँ सरप्लस में अगर मिस्टेक होगा तो ये सारा का सारा मिस्टेक होगा तो प्लीज़ आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा अगर किसी को लगता है कैलकुलेशन लाइव क्लास में देख रहे हैं तो बता सकते हैं वो टेलीग्राम पे किरण मैंने कर दिया है क्वेश्चन पेपर सॉल्व सेंड हाँ ठीक है चलिए तो यहां पे जो आएगा ना देखो अब ध्यान देना इस फॉर्मुले से जो निकल के आएगा वो होता है हमारा सीपीएल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो कैपिटल में जुड़ता है तो सर सीपीएल है तो बैलेंस शीट में कहा बाकी जो बच जाएगा वो डब्ल्यू में चले जाएगा मतलब उसे प्रॉफिट मत मानो उसे सेल मत मानो बाकी जो बच जाएगा बाकी कितना बच जाएगा सर इसमें से टू माइनस वन थ्री टू एट टू वन थ्री तो बाकी जो बच गया वन वन सिक्स टू वन एट सेवन टू डब्ल्यू आई पी इसको समझिएगा आप जो मैं बताऊंगा ये रिजर्व है समझिएगा देखिए हमने प्रॉफिट एक्चुअल में इतना कमाया और हमने सेल भी इतना किया लेकिन कैश देखेंगे ना अगर आप तो कैश मिला कितना इतने भाई तुम्हें हम काम करके दे रहे हैं बाईस लाख छप्पन दो करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार रुपए का बट आप दे रहे हो एक करोड़ रुपए इसका मतलब पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा है काम ज़्यादा किया पैसे कम मिले तो डूबेगा तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं इतना पैसा डूब जाएगा तो इस फॉर्मूले की मदद से हम मान लेते हैं प्रॉफिट इतना है बाकी डूब जाएगा अब बोलते हो सर आप सेल इतने का है और इतना डेट्स होगा तो डेटर कितना होगा डेटर कैसे निकालोगे आप सेल्स में से क्या करते हो डेट्स माइनस करते हो तो जब मैं डेटर दिखाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर तो माइनस कर दूंगा क्या बेड आप मुझे जवाब दीजिएगा यहां तक क्लियर हो गया मेरा डेटर कितना है डेटर कितना है मैं पॉइंट नंबर लिख रहा हूं यहां पर आप अमाउंट ना बता के पॉइंट नंबर बताइए एक नंबर जो कनेक्शन है डेटर से और दो नंबर अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए मेरा सेल कितने का है एक नंबर या दो नंबर सेल कितने का है मुझे बताइए सेल किसे मानेंगे नंबर वन वाला जहां टिक किया या नंबर दो वाले को टिक किया है? सेल किसको मानेंगे बताइए अमाउंट लिख दीजिए जो लिख सकता है सेल्स वन वाले को और जो टू वाला है उसे क्या बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे एक तरीके से बेडेट्स है उसे क्या बोलेंगे बेडेट्स तो टू वाले को मैं ऐसा करता हूं मैं यहां पहले सेल्स लिख दूं सेल्स को मैं लिख देता हूं वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है एक तो वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड मैं सीधा डब्ल्यू आई पी डाल देता हूं सेल्स में इकट्ठा सर सेल्स इतने का टू टू फाइव सिक्स सेल्स माइनस क्या करो इससे सर बेड डेट्स करो ना माइनस तो बेड डेट्स क्या बोला रिजर्व है तो रिजर्व करो माइनस सर कितने माइनस होंगे वन वन सिक्स टू वन एट सेवन सर सेल इतने का करा बेड डेट्स इतना हो गया पैसे नहीं मिले मिले ना ये रहे पैसे मिले माइनस करिए कैश एक्चुअल बेड डेट्स डेटर तभी निकलेगा ना वन सेवन नाइन टू ये आ गया तो ये बना हमारा डेटर बैलेंस शीट बन रहा है हमारा टू टू फाइव सिक्स फोर टाइम ज़ीरो माइनस वन वन सिक्स टू वन एट सेवन माइनस वन सेवन नाइन टू फोर टाइम ज़ीरो आ गया मेरा बेड डेटर थर्टी फोर सेवन सेवन एट वन थ्री वन थ्री ये आ गया ये क्या आ गया डेटर समझे बात आप देखिए मेरा सेल्स जो था सेल्स था उसमें से बेड डेट्स माइनस किया बाकी का आप डेटर बचा लेकिन कुछ पैसे मिले उस पैसे को घटाए तो एक्चुअल डेटर ये है समझ में आई बात आपको सर हमारे पास प्लांट भी पड़ा हुआ था मशीनरी मशीनरी यानी क्रेन कितने का पड़ा हुआ है सौ लाख का और सर कुछ है क्लोजिंग स्टॉक भी है मटेरियल एट साइड कितने का सेवन ट्वेंटी का और सर कुछ है आउटस्टैंडिंग वेजेस है आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो लाइबिलिटी में आ जाए कितने का थ्री ट्वेंटी का और सर कुछ है सरप्लस इधर आता है हमारा क्योंकि पी में चला जाता है सरप्लस बड़ा बेकार सा अमाउंट आया है ना ये लिखने का मन नहीं कर रहा है ना हो सकता है मैं अगेन 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 बैलेंस शीट को मैच नहीं करना है आपने बैलेंस शीट को यहीं पे छोड़ दीजिए करना चाहते हैं तो दोनों साइड का अलग अलग टोटल करिए मैं फिर से आप सभी से बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हो सकता है कि मेरे से अमाउंट डिजिट में गलती हो कॉन्सेप्ट में कोई एरर नहीं है तो उसके हिसाब से आप एक बार करेंगे तो उसको मैच कर लीजिएगा ठीक है ये बन गया हमारा बैलेंस शीट किसी को दिक्कत बैलेंस शीट में तो कमेंट में बताइए लाइव क्लास में देख रहे हैं बैलेंस शीट में दिक्कत है तो बताइए फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट कराऊँ पूरा चैप्टर हो जाएगा ये रिवाइज WIP आई पी किसका डब्ल्यू आई पी समझाना है ये वाला डब्ल्यू आई पी बैलेंस शीट का तो समझिए ये क्या है हमारा सर ये है सेल्स आप ऐसे समझिएगा मैं अमाउंट अलग अलग कर रहा हूँ सपोज करो ये सौ रुपये सपोज करो ये सौ रुपए समझाने के लिए सर ये क्या है ये है डेट्स बेड डेट्स सपोज करो बीस रुपए है तो सर अगर सौ का सेल है और बीस का डेट्स मान रहे हो तो बैलेंस शीट में तो डेटर जाना चाहिए अस्सी और मैंने कहा जी पचास तो मिल चुका है कैश रिसीव हमारा है पचास तो आप इसमें से पचास माइनस करोगे और आप भेज दोगे कहाँ पे डेटर एक्चुअल कितने का होगा तीस का तो वही काम तो किया है देखो मैंने क्या किया बैलेंस शीट में सौ रुपये का सेल माइनस बेड डेट्स माइनस कैश रिसीव तो मेरे पास बचे कितने तीस यही पॉइंट मैंने अमाउंट बहुत बड़ा बड़ा था उसको करा हुआ है बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताइए फिर हम करेंगे कॉन्ट्रैक्टी मान से क्लियर है आपका सर सेकंड विजुअल बाय थ्री अच्छा ये तो फॉर्मूला है मानसी इसको हम याद करना पड़ेगा आपको लिखवा रखा है टू बाय थ्री फॉर्मूले का पार्ट है ये हमारा प्रॉफिट है और ये है हमारा कैश रिसीव और ये है वर्क सर्टिफाइड पहले बार जब मैंने करा था तो लिखा था ये फॉर्मूला है ये मेथड्स है आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा टू बाई थ्री कब कब होगा वो चीजें दोबारा देख लेना ओके okay, डन अब क्या कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टी बताओ कौन है कॉन्ट्रेक्टी बताओ कौन है कॉन्ट्रेक्टी कौन है कॉन्ट्रेक्टी वो है जिसने की कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो ये सब अकाउंट कौन क्या कॉन्ट्रेक्टी अपना खाता बनाएगा नहीं हम बनाएंगे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी से हमें कैश मिला जब कभी भी पैसा देगा तो सामने वाला पार्टी देगा तो एंट्री क्या करेंगे एंट्री करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट और मान लो हमने पिंटू पिंटू से ठेकेदारी ले रखा है पिंटू अपना काम करवा रहा है कौन करवा रहा है काम अपना पिंटू तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू पिंटू पिंटू से पैसे मिल गए लेकिन अकाउंट में पिंटू अच्छा वर्ड नहीं लग रहा तो बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मिल गए तो सर लेजर पोस्टिंग देखिए कैश में जाएंगे टू कॉन्ट्रेक्टी कॉन्ट्रैक्टी में जाएंगे बाय कैश तो कॉन्ट्रैक्टी बना रहे हैं ना तो में लिखेंगे बाय कैश कितना पैसा मिला ये रहा 179, 179 या 1.7 करोड़ लिख देता हूं 1.79 पॉइंट सेवन नाइन टू करोड़ लगा दिया डिजिट बस आपको समझ में आना चाहिए समझ में आइए पहले बताओ ये बाय वाला समझ में आया अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे टू बैलेंस टू बैलेंस टू बैलेंस करके काम खत्म ये आ जाएगा 1.792, 1.792 और ये खत्म जी खत्म बन गया कॉन्ट्रैक्ट। सर दो साल का होगा तो दो साल में ऐसे होगा ये बी डी बन जाएगा फिर जितना पैसा मिलेगा और एड ऑन करेंगे और ये बैलेंस डी चलता जाएगा लास्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से खत्म हो जाएगा तो पहले दूसरे साल में क्या होगा बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा फिर और पैसा मिलेगा फिर और भी आ जाएगा हमारा कैश के नाम से फिर ये क्या होगा ये टोटल होके इधर आ जाएगा फिर बीडी और अगर दूसरे साल में सारा पैसा मिल गया तो यहाँ पे हम सीडी डी के जगह पे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और दोनों साइड मैच हो जाएगा हमारा बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए ओहो इस कितने इतने सारे डिजिट नहीं दिख रहे थे चलो अब मैंने दिखा दिया भाई मैंने लिख तो दिया था उस टाइम पे अब डिजिट दिख रहा होगा आपको बिल्कुल जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका अकाउंट लेकिन बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टर ही बनाएगा ये कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा क्योंकि वो अकाउंट नहीं बना रहा कोई डाउट अब बताइए अगर कॉन्ट्रैक्ट में और भी आपके कोई क्वेश्चन रुक रहे हो तो